नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। संवाददाता सगमा से राजू रंजन की रिपोर्ट। प्रखंड के कटहर कला गांव स्थित पंचायत भवन में मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के तत्वाधान में ग्राम उद्यमी मंडल का गठन किया गया, जिसमें सक्रिय पुरुष एवं महिलाओं ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रखंड के समन्वयक महेंद्र प्रसाद ने उद्यमी मंडल के कार्यों एवं जिम्मेवारी पर विस्तार से प्रकाश डाला। मेरा नाम महेंद्र प्रसाद है, प्रखंड उद्यमी समन्वय सगमा ब्लॉक के है। हम लोग मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के द्वारा आपके यहाँ उद्यमी मंडल बनाने हैं। इसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, दो कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे और इनके अलावा 15 सदस्य रहेंगे जो आपके यहाँ बांस क्राफ्ट से रिलेटेड काम करेंगे, जिसमें हम समूह मंडल बनाएंगे। मंडल में मंडल के बनाने के बाद हम लोग आपके यहाँ ब्रांच में, सगमा ब्रांच में आप लोग को खाता खुलवा देंगे। उसके बाद आप लोग का उद्योग आधार से लिंकअप करवा देंगे जो आप लोग का रजिस्टर्ड हो जाए। आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास रहेंगे और उसके माध्यम से आप लोग को स्वरोजगार जो होता है, आपकी आय जो है दुगनी किया जाएगा रोजगार देकर। उन्होंने बताया कि मंडल के द्वारा गांव को समृद्ध एवं स्वच्छ बनाने के अहम भूमिका का निर्वहन करना है। उद्यमी मंडल में अध्यक्ष के रूप में आशा देवी, सचिव संजय तुरिया, कोषाध्यक्ष रीता देवी, कार्यकारी सदस्य के रूप में मंजू देवी एवं उर्मिला देवी का चयन किया गया। साथ ही सदस्य के रूप में 15 महिला पुरुष का चयन किया गया। धन्यवाद।